में साग की डंटी, ये पोई का पत्ता है आज इसका हम सब्जी बनाने के लिए जा रहे हैं। पोई साग की डंटी का इस तरह से काट करके इसको छीलेंगे। ये पोई का डंटी है, इसका आज हम सब्जी बनाने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से सारे को छील करके और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कट कर लेंगे, छोटा टुकड़ा बना लेंगे सारा बना करके, और तब इसका सब्जी हम बनाएंगे। देखिए अब हम सबका छिलका उतार लिए हैं, छोटा छोटा काट लिए हैं, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए हैं, सारा छिलका इस तरह से उतार लिए हैं। अब इसका हम सब्जी बनाएंगे। ये देखिए पोई का साग है, ये पोई का डंटी है। दो टमाटर लिए हैं हम, दो आलू लिए हैं, दो प्याज लिए हैं। इसके लिए मसाला लिए हैं, थोड़ा सा जीरा लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिए हैं, नमक लिए हैं, हल्दी लिए हैं, सूखी लाल मिर्च लिए हैं, धनिया लिए हैं, ये लाल मिर्च लिए हैं। ये सारा मसाला डाल करके सभी सामग्री को मिला करके मैं सब्जी बनाऊंगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें अब हम तेल डाल रहे हैं थोड़ा सा, दो चम्मच। थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे, दो तेज पत्ता डाल दे रहे हैं, चार हरी मिर्च, दो लौंग इलायची डाल देते हैं, और इसको अच्छे तरह से थोड़ा सा चटकने दे रहे हैं। प्याज डाल दे रहे हैं, प्याज जब तक लाल हो जाएगा तब तक इसको भूनते जा रहे हैं, जब तक के लिए थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। प्याज भूरा रंग का हो गया है, अब इसमें हम आलू डाल दे रहे हैं। आलू डाल करके फिर भून लेंगे। अब आलू फ्राई हो चुका है, अब इसमें पोई का डंटी डाल रहे हैं, अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये अब डंटी भी फ्राई हो चुका है, टमाटर भी डाल दे रहे हैं इसी जगह, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं, तो देखिए ये अच्छे से भुना चुका है। और इसमें हम मसाला डाल देते हैं, ये लहसुन का पेस्ट है, अदरक और लहसुन, हल्दी, धनिया, सूखी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिला ले रहे हैं। मसाला डाल करके इसको अच्छे तरह से भून रहे हैं। अब ये मसाला भुना चुका है, अब इसमें डाल देते हैं साग। इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से, फिर इसको ढक देंगे मिला करके, ताकि साग हमारा भुना जाए अच्छे से। अब देखिए ये सारा मसाला और सब्जी भुना करके तैयार हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके मिला देते हैं, फिर इसको अच्छे से ढक देते हैं। अब ये बन के तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं।